माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसरों के जाति कांड का विवाद थमा ही नहीं था कि एक और विवाद सामने आया। जनसंचार विभाग के एचओडी संजीव गुप्ता पर एक छात्रा ने अभद्रता और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। एमसीयू के गेट पर बैठी छात्राएं बोली, एचओडी हमसे बॉयफ्रेंड का नाम पूछते हैं। रोज के इन विवादों से एमसीयू की छवि धूमिल हो रही है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दो छात्राओं ने मंगलवार रात पहुंचकर धरना दिया। पहले तो छात्राओं ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रबंधन को जमकर कोसा, फिर वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। छात्राओं से मिलने पहुंचे रेक्टर श्रीकांत सिंह से छात्राओं ने कहा कि उनके जनसंचार विभाग के एचओडी संजीव गुप्ता उनसे बॉयफ्रेंड का नाम पूछते हैं, साथ ही उनकी कक्षाओं में उपस्थिति कम बताते हुए परीक्षा में बैठाने से भी इनकार कर दिया है। छात्राओं ने बताया कि वे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन में सेकेंड ईयर की छात्र हैं। वे तबियत खराब होने की वजह से कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकी थी। उनकी शनिवार से परीक्षाएं शुरू हुई हैं। परीक्षा से पहले उन्होंने पिता के साथ कुलपति से मुलाकात कर सारी स्थिति से अवगत कराया था। इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। हमने सर को बोला कि सर हम बीमारी के कारण नहीं आ पाए थे, हमारे पास मेडिकल है, तो आप बताइए कि हमारा रीएडमिशन अब कैसे होगा, मतलब हम कहाँ पे हमारी एप्लीकेशन सबमिट करें। तो एचओडी सर का ये कहना था कि श्रेया पांडे तुम्हारी 0% अटेंडेंस पे मैं तुमको तो एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम्हारा मेडिकल एक्सेप्ट कर लूँगा, पर मनु तुम्हारी 0% अटेंडेंस पे मैं तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तुम अपनी सोर्स लगाओ, तुम एक काम करो, तुम यहाँ वहाँ जाओ और वहाँ जाके अपील करो, और वहाँ से अगर कोई सुनवाई हो जाए तुम्हारी तो मुझे बताना। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला मुझे कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR, पहले तो बोलते हैं कि एक काम करो, अगर तुम्हें मेरे इस डिसीजन से कोई दिक्कत है तो तुम मुझे कोर्ट कचहरी ले जाओ, और अगर नहीं तुम ले जाती हो तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR करके तुम जेल में बंद करा दूंगा और तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। संजीव गुप्ता सर। छात्राओं ने रेक्टर के सामने आरोप लगाया कि कुछ छात्र छात्राओं की उपस्थिति उनसे भी कम है, इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में शामिल कर लिया गया है। छात्राओं ने बताया कि पहले तो सभी कम उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को निष्कासित कर दिया गया था, बाद में नोटिस जारी किया कि ₹500 जमा कर वे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस नोटिस के आधार पर जब हमने एचओडी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि एक छात्रा परीक्षा में शामिल हो सकती है, लेकिन दूसरी को चरित्रहीन और शैतान बताकर परीक्षा दिलवाने से इनकार कर दिया। छात्राएं रात में एमपी नगर थाने भी पहुंची, वहां पहुंचकर उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के एचओडी संजीव गुप्ता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर शिकायत की। इसके बाद वे वापस आकर धरने पर बैठ गईं। वे देर रात तक धरने पर बैठी रहीं। तमाम समय से विवादों का केंद्र बने एमसीयू के रेक्टर श्रीकांत सिंह ने कहा कि छात्राओं को उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे धरने प्रदर्शन के कारण किसी को नियमों से बाहर जाकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।